वेलकम बैक, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के एक और नई मूवी का रिव्यू। मूवी का नाम है मॉर्टल कॉम्बैट। ये मूवी फिलहाल इंडिया में नहीं आई है, आपको HBO मैक्स पर इसे देखना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ी मूवी नहीं है, इक्का दुक्का शब्दों में अगर इस मूवी के बारे में बात की जाए तो यार बहुत ही ज़्यादा हिंसक दृश्यों से भरी हुई और एक ज़बरदस्त कुंफू एक्शन भरी हुई ये मूवी है। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी है। हिंसक सीन्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी टोटल मूवी बहुत ज़बरदस्त अच्छी है। बाकी हिंसक सीन्स भी इतने ज़्यादा आपको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को एंटरटेनिंग ये मूवी लगने वाली है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई एडल्ट कंटेंट नहीं है, किसी के साथ भी बैठ करके आप इसे एंजॉय कर सकते हो, इसलिए HBO मैक्स पर जाओ देखो, इससे ज़्यादा बड़ी मूवी नहीं है। बात करेंगे कहानी के बारे में, किरदारों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। बाकी इसी तरह के मजेदार रिव्यूज वीडियोस लेकर के मैं आता रहता हूं, तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। बाकी कोरोना काल चल रहा है दोस्तों, तो आप सभी का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, मास्क लगा के रहिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का 100% पालन कीजिए, कोशिश कीजिए कि घर से बाहर ना निकला जाए। अत्यावश्यक हो कार्यक्रम तभी बाहर निकले, कुछ ज्यादा ही अर्जेंसी हो तभी बाहर निकले। तो अब सबसे पहले मूवी की स्टार कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूवी की स्टार कास्ट में शामिल लोगों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: जेसिका जो लेविस्टेन, सीसी टेंजर, हिरोयुकी सांडा एंड लूडी लिन इसमें मुख्य किरदार में आपको देखने को मिलते हैं। हिरोयुकी सांडा ने इसमें हेंजो का किरदार निभाया है, जो स्टार्टिंग में दिखा दिया जाता है कहानी के कि उसके परिवार की हत्या कर दी जाती है एक मुख्य विलेन के द्वारा। इस मूवी की कहानी में काफी सारी लेयर्स हैं। इस मूवी में जो आप विलेन देखेंगे उस विलेन के पास भी काफी सुपरनेचुरल पावर्स हैं। इसके अलावा जो उस विलेन से लड़ने वाले हीरो लोग दिखाए गए हैं उन सभी के पास अपनी अपनी अलग अलग सेपरेट पावर्स इसमें दिखाई गई हैं। हिरोयुकी का किरदार हेंजो स्टार्टिंग में अपने परिवार को खोने के बाद में नर्क लोक में अपने आप को बदले के लिए तैयार कर रहा होता है। वहीं लुईस टेन का किरदार आज के जमाने का दिखाया गया है, जो स्ट्रीट फाइट में पार्ट लेता है, जीतता है। पर लुईस टेन का जो किरदार दिखाया गया है वो हेंजो की वंशावली से ही होता है, यानी उन्हीं के वंश का, उन्हीं का एक रक्त होता है, उसमें वो सारी पावर्स होती हैं। उनके शरीर पर ऑटोमेटिक एक ड्रैगन का टैटू पाया जाता है। जो भी इस तरह के फाइटर्स इसमें दिखाए गए हैं मॉर्टल कॉम्बैट में, मॉर्टल कॉम्बैट उन्होंने दिखाया है कि एक तरह का टूर्नामेंट है जो धरती और बाकी डायमेंशंस में बसे हुए और दूसरे ग्रहों के बीच में होता है। ये एक फाइट का टूर्नामेंट होता है जिसको कि पिछली 9 बार से इस मूवी का मुख्य विलेन सब जीरो जीत रहा है। 10 बार अगर वो इस टूर्नामेंट को जीत ले तो धरती पे भी उसका कब्जा हो जाएगा। इस टूर्नामेंट में इस बार इस टीम की जीत बहुत जरूरी है और यही कुछ इस मूवी में दिखाया गया है कि ये सभी लोग मिलकर के अपनी सुपर पावर्स को कैसे जागृत करते हैं और कैसे सब्जियों के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को तैयार करते हैं। मूवी में एक्शन की मात्रा इतनी ज्यादा है, इतनी अधिक है कि आप लोग जो एक्शन लवर्स हैं वो इस मूवी से बिल्कुल निराश नहीं होंगे। बहुत ही जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिलेंगे और जो कुंफू मार्शल आर्ट पर बेस्ड मूवीज बनती है उनमें से ये भी एक अच्छी मूवी साबित होगी। मुझे ये मूवी पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आई है। एडिटिंग इस मूवी की काफी अच्छी है, एडिटिंग से भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी, कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि आप इस कहानी से बोर हो रहे हो। एक के बाद एक सीन लगातार स्क्रीन पर आता चला जाता है और उस सीन के साथ आप बंधे रह जाते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस मूवी को एग्जीक्यूट किया है, आपको देखने में आनंद आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी को अगर रेट किया जाए तो मैं दूंगा इसे डेफिनेटली 5 में से 3 अंक। अगर आपने मूवी देख लिया तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। जिन मूवीज का वेब सीरीज का आप रिव्यू जानना चाहते हैं उनके बारे में भी मेरे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। इसी तरह के मजेदार वीडियोज लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। कोरोना काल चल रहा है तो एक बार फिर से कहना चाहूंगा, सभी का ध्यान रखो यार, बहुत विकट स्थितियों से हम और हमारा देश जूझ रहा है। एक दूसरे का साथ देते रहो, यूं ही अपने आसपास अगर ऐसे कुछ लोग आप देखते हैं जिनको किसी चीज की किसी भी प्रकार की जरूरत है तो किसी की मदद करने से हिचकिचाए नहीं। बाकी जुड़े रहिए मेरे चैनल से, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्यू में। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम।